और फिर हम दुर्ज के रूप में यहाँ बाजार में होते हुए एसटी ऑफिस तक जाएंगे। परम सम्मानीय मंच पर मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, बुजुर्गों से मेरा प्रणाम, छोटे भाइयों को बहुत बहुत आशीष। आप लोग जो इस काम की रुत में अभी सारे लोगों में लावने लगी है, गांव के लोग हैं सारे, तो गांव में अभी कोई खड़ा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आए तो मेरे को इतना विश्वास नहीं था कि और भी बहुत सी ताकतें लगी हुई है गाँव में कि हम दोनों एक हो गए हैं, आपको आना नहीं है। कल रात से शुरू हो गया था, मैं तो रात को 1 बजे तक फोन बंद करके सोया कि राजगंज यार आपका समझौता होगा, राजगंज फोन करें कि हमारा लाल जी का समझौता होगा, मैं एक है। बहुत लोगों को गुमराह किया, हर गांव में फोन किया, कोशिश की, लेकिन आप सब लोग रुके नहीं, झुके नहीं, आप सब लोग आए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संख्या शुरू एक सी होती है, एक से बढ़ के हजारों हो सकती है, इसलिए आप निराश मत होना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आज 9 तारीख तक देखे जाओ, अभी और धीरे धीरे मामला और बढ़िया होता जाएगा। मैं तो बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ, आस में बहुत ज्यादा रखता हूँ और हर आदमी विश्वास भी करता हूँ जो मेरे को कह देता है कि मैं ठीक है, मैं करूंगा, तो मैं इसकी बात मानता भी हूँ। और मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरे में कभी खोट नहीं है, जो है वो साफ है, कोई गलत पीछे से कुछ नहीं होता है, मैं सामने कहता हूँ, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। और इसका नुकसान मेरे को बहुत जगह होता है, लेकिन मेरी ये आदत है। तो बहुत से लोगों ने मेरे को फोन किया और मैं विश्वास दिलाया कि आप अभी डटे रहो मैदान में, निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। बदलाव इसलिए होने वाला है कि जो अपने पिछले चुनाव में हमारे खिलाफ जो ताकत लगी हुई थी, 5 ग्रुप जो पूरा, वही ताकत है जो कल आज पर्चा भर गया है। अपना एक आदमी नहीं गया इनके पास, जो अशोक पिंजा को टिकट नहीं दिया, कुछ लोग 2-5 लोग थे जो कांग्रेस से छोड़ के और यहाँ निर्दलीय गुट में शामिल हुए थे, राजगढ़ जी, सर जी, 2-5 आदमी और भी थे जिनको वहां से निकाल दिया, तो वो पर्चा भरा है आज। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने भी इनको बहुत मान सम्मान की बात की, मैं कहा चुनाव लड़ना है तो हमारे साथ आ जाओ, हम आपको टिकट देते हैं। कल शाम रात 8 बजे तक हम मीटिंग कर रहे थे, मैं कहा भी आ जाओ आप, चुनाव लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, हमारे 47,000 वोट है, इनका मान सम्मान रखो, हम आपके साथ है। मेरे को चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है, कोई डॉक्टर ने मेरे को नहीं बताया कि आप चुनाव लड़ो, मैं जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता की सेवा करूंगा। पिछले 20 साल से मैं इनके बीच में हूँ, उन्होंने मेरे को हमेशा से सरपंच बनाया हो, चाहे डेयरी का चेयरमैन बनाया हो, उप प्रधान बनाया हो, कॉलेज प्रेसिडेंट बनाया हो, हर बार मेरे को इन्होंने साथ दिया है, इसलिए मैं इनके बीच में रहूंगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। आप आना है तो हमारे साथ आ जाओ, चुनाव लड़ दो, और हम आपके साथ है, पूरी मेरी टीम, और मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन वो अशोक पिंजा की गोद में बैठ गई, अशोक पिंजा अशोक पिंजा जो अपने हमेशा खिलाफ रहे किसान कौन के, और वो 2-3 शिकार कर रहा है, अगला रास्ता भी साफ कर रहे हैं, एक तरफ रणों के बना रहे हैं, राजकुमार राजकमल चौधरी को साफ कर रहे हैं, इसलिए वो 2-3 शिकार कर रहे हैं। मैं तो मेरे को रात को भी अफसोस हो रहा था, अपना आदमी जो गलत लोगों के हाथ में चला गया है, गलत ताकत के बीच में चला गया है। तो मैं आदमी को कहना चाहता हूँ, अभी आपके पास मौका है, अपने परिवार में आ जाओ, अपने भाइयों के साथ में आ जाओ, अकेले रहोगे तो मार खाओगे, इसलिए आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपका मान सम्मान करेंगे। अगर टिकट लेनी थी तो हमारे साथ ले लेते, हमें तो डॉक्टर ने नहीं बताया, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी में गए, बीजेपी की नहीं मिली तो बसपा में गए, बसपा की नहीं मिली तो हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी की नहीं मिली तो निर्दलीय प्रचार भरा। तो ये कौन से डॉक्टर ने आप बताया कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ना ही था तो हमारे साथ आ जाते, हम आपका मान सम्मान करते, हम आपका सहयोग करते तन मन धन से। हमारी ये टीम है वो कोई धोखेबाज टीम नहीं है, ईमानदार टीम है, जो सच्चे सिपाही हैं हनुमान जी के प्रति की निष्ठा है, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मन से जुड़े हुए हैं, कोई किसी के दबाव में नहीं है। और जो एक छोटे से ब्लॉक में जो कार्यकर्ता है ना, रात को लोगों को गुमराह किया कि कल तो एक भी आदमी नहीं आएगा RLP की रैली में, फिर भी आप लोग आए, 100-200 आदमी चले गए, फिर भी आप आए, तो मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जितने भी हो एक एक आदमी जोड़ने की कोशिश करो, अभी निराश होने की कोई बात नहीं है,
अभी 15-20 दिन चुनाव के पड़े हैं और धीरे धीरे देखते जाओ अपने पास हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद जी के बड़े दो सिपाही हैं और वो दोनों मिलके लड़ेंगे और अपने जो भी आजाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग आजाद चंद्रशेखर आजाद विश्वास रखते हो तो आप इनके बात को मानते हुए हमारे साथ जुड़ाव रखें और 25 तारीख तक जी जान से आप लग जाएं और रिजल्ट अपने पक्ष में आ सकता है क्योंकि गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है, गुमराह कर रहे हैं, ठेकेदार बन गए हैं गांव वाले कि मैं आपको इतने वोट दिला दूंगा, मैं आपको ये करा दूंगा, लेकिन वोट उनके हाथ में नहीं है, वोट सब लोग आपके हाथ में है और आप जब जिस जो निर्णय करोगे वही चुनाव जीतेगा। तो मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखता हूँ, बहुत बड़ा भरोसा रखता हूँ कि आप निश्चित रूप से, मैंने आपके बीच में 11 महीने में जो भी आपकी समस्या थी, जिस स्थिति में आपके जितनी मेरी हैसियत थी, आपने मेरे 47,000 वोट दिए, वो 47,000 की ताकत बहुत बड़ी थी और आपका जो भी छोटा मोटा काम बिजली पानी छात्रों का हो, स्कूल मास्टरों का हो, हर बात में मैं आपके बीच में खड़ा। आपने फोन से रात को किया या दिन में किया, मैं हमेशा आपके बीच में रहा और मैं साथ ही यह कहना चाहता हूँ कि मैं तो आप जितने वोट दोगे, एक दो चिलाक दो, जितना हो जी रहो, मैं आपके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। जो भी आप निर्णय करोगे, जो भी आप बात करोगे, मैं आपके साथ रहूंगा। जो भी वोट दोगे, आपके वोट का मान सम्मान रखूंगा। चाहे वोट मेरा 1 है या 47,000 है या लाख है, इस मान सम्मान में कोई कमी नहीं हुआ और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि कई लोग